हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैच। तो आप एक नई चीज यहाँ पे देखे होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये, अगर हम कोई डेसिमल एक्सपेंशन लिखें 0.125, यहाँ पे ये जाके ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे ये जाके ख़त्म हो गया मतलब इसके आगे अब कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आएगा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो होता है 0.1272727, मतलब जिसमें रिपीटिंग वैल्यू आए वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36/100। इसको सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो 36 है तो ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 0.300 कट 600। अब देखिए यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, मतलब इससे आगे कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो यहाँ पे एक वैल्यू टर्मिनेट हो गया। तो ये है इसका डेसिमल वैल्यू होगा, डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू 0.6 और ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसका रिजल्ट एक नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का 3/13। सिंपली इसको भी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवीजन करेंगे। 13 1.17, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखिए 3 एक रिपीटिंग वैल्यू इसमें आ गया, मतलब हम अब इससे आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो
इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 2.30769। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो इसका सॉल्यूशन होगा 1/7 का वैल्यू है हमारे पास 0.142857। सिंपली हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। टू बाई सेवन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इन सब में देख रहे होंगे एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? 1/7, 1/7, और 1/7 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 1/7 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। तो सारे 1/7 के वैल्यू में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो चलिए वही करते हैं। टू इंटू 1.42857 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट होगा 0.285714, और इसका मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट होगा 0.428571। इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 0.571428। इसका होगा 0.714285। इसका होगा 0.857142। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे।